नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार तथा आप देख रहे हो स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का यूट्यूब चैनल। आज के इस साइकोलॉजिकल वीडियो में आपका स्वागत है तथा आज हम सीखेंगे कि कैसे आप एक टॉक्सिक व्यक्ति से डील कर सकते हो। देखिए, हमारी फैमिली में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे ऑफिस में, या जहां हम काम करते हैं, या कहीं से कुछ खरीदते हैं, किसी को कुछ बेचते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके अंदर टॉक्सिन भरा हुआ होता है, टोटल नेगेटिविटी का। अब क्या होता है कि ना, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है तथा आप अभी सीख रहे हो पॉजिटिविटी, तो बहुत चांसेस हैं कि उसका टॉक्सिन आपके ऊपर असर करेगा तथा आपके अंदर जितनी पॉजिटिविटी वो खत्म हो जाएगी। ओके, इसलिए इन टॉक्सिन वाले व्यक्तियों से डील करना बहुत ही उसकी जरूरत है ताकि आप सेव हो सको, अपने आप को फिजिकली तथा मेंटली प्रोटेक्ट कर सको। जैसे एक बोतल में तेजाब होता है तो वो कितना खतरनाक है अगर उसे सेफ जगह पे ना रखा जाए तथा वो किसी बच्चे के हाथ में लग जाए या आपसे ही गलती से कहीं लगा दिया जाए तो वो चीज जल जाती है, टोटल बर्न हो जाती है, आपको पेन होगा। इसलिए बेस्ट डील तो ऐसे ही है जैसे तेजाब है, उसको आप बहुत सेफ जगह पे रखते हो, बहुत तरीके से रखते हो, ऐसे ही आपने जो टॉक्सिन वाला व्यक्ति है उसको कंट्रोल करना है। तथा कैसे कंट्रोल करना है उसको, इससे पहले हम ये बताएंगे कि टॉक्सिन वाला व्यक्ति जो जो विष विष युक्त है वो है कौन। नंबर 1 पे, वैसे इसके कार्ड में मैंने डिटेल दी हुई है कि जो टॉक्सिन वाले व्यक्ति होते हैं, नेगेटिव व्यक्ति होते हैं, उनकी लिस्ट बताई हुई है, फिर भी यहां ब्रीफ में बता देता हूं। सिंपल सी बात है, जिसके साथ अगर आप कोई भी व्यवहार करते हो तो उसमें गुस्सा बहुत छेती आ जाता है तथा वो उस गुस्से से आपको भी गुस्से वाला बना देता है, जिससे क्या है कि आपके डेली के जो गोल्स हैं वो पोस्टपोन होते जाते हैं तथा आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ठंडे दिमाग से ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, एकाग्रता से ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, गुस्से से नहीं। इसलिए अपने आप को गुस्से से बचाना चाहिए क्योंकि उसमें वो टॉक्सिन है गुस्से का, वो आपके अंदर भी आएगा। दूसरा, वो कंप्लेन करते हैं। तीसरा, वो दुनिया को नेगेटिव नजरिए से देखते हैं। तो ये सारी चीजें उस टॉक्सिन वाले व्यक्ति के रूप में होती है तथा सबसे बड़ी बात है, वो आपको कदम कदम पे नेगेटिव करते हैं, आपकी क्रिटिसिज्म करते हैं, आप यह नहीं कर सकते, आपके अंदर का विश्वास, आप खुद पे विश्वास करते हो, उसको वो काटते हैं, आपको मोटिवेट नहीं करते कि जो आप सोचते हो वो कर सकते हो, दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकती। तो इस तरह से व्यक्तियों को हमने डील करना है। वो आपको अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं कि वो वेले रहते हैं, वो काम नहीं करते, वो काम चोर है, तो आप भी वेले रहिए, काम मत कीजिए, अपने गोल पे ना लगिए, उनके जैसी भेड़ों की पार्टी में आप शामिल हो जाओ, वो ये चाहते हैं। ओके, तथा उनका ही वो जो नेगेटिविटी है आप उनमें सहयोग दो। तो अब हमने कैसे उसको कंट्रोल करना, वो हमें कंट्रोल करना चाहते हैं, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, यही तो इंटेलिजेंट वॉइस पर्सन की क्वालिटी होती है। तो इसके 3 फार्मूले हैं। फार्मूला 1, स्टॉप स्पीकिंग एंड स्टार्ट ओनली लिसनिंग। ये फर्स्ट लेवल है जब टॉक्सिन व्यक्ति आपसे बात करना चाहेगा, वो चाहेगा कि आप उनसे बात करें ताकि वो आपके अंदर वो टॉक्सिन डाल सके। तो क्यों बात करते हो? स्टॉप, स्टॉप
स्टॉप अपनी बात करना बंद कीजिए, सिर्फ लिसन कर लीजिए, ओके कान खुले हैं, इस जुबान 3 इंच की जुबान को बंद रखना है। देखिए इसका चमत्कार, कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, कितने हाथों से बजती है? 2 हाथों से। अगर आपको लगता है वो टॉक्सिन दे रहा है तो इसकी सपोर्ट क्यों देते हो? उसके साथ बात मत कीजिए, उसको सिर्फ सुनिए, सुनिए मींस बात करोगे ताली बजेगी, ताली बजेगी, आप डिस्टर्ब हो जाओगे अपने गोल से। उसको कंट्रोल करना है, सबसे बड़ा तरीका कंट्रोल करने का आप मत बोलिए, उसे बोलने दीजिए, सुनिए उसकी बातों को, सुनिए, ओके। अब ये होगा कैसे? अरे भैया आप तो बोलने वाले हो, आप में भी बहुत सारी कमियां हैं, एक कमी को सुधार लीजिए, क्योंकि आप में ईगो बहुत है, उसने मेरे को ऐसा कहा अब मैं उसको इसका जवाब देता हूं। तू अपने आप को बड़ा मानता है, मैं भी अपने आप को बड़ा मानता हूं, तो ऐसा नहीं है, आपने हम्बलनेस में आना है। नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिए, हम्बलनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि शांत रहना चाहिए, ज्यादा सुनना चाहिए, ओके। अब क्या है, इसकी रिटर्न कमिटमेंट कर लीजिए, मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं 1 साल तक, 6 महीने तक, 3 महीने तक यह टॉक्सिन व्यक्ति जिसके ऊपर मैं बिलीव करता हूं यह है, तथा इससे मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ ये बोलेगा मैं इसकी बात निम्रता पूर्वक सुनूंगा, सुनता रहूंगा, क्योंकि भगवान ने 2 कान दिए हैं, 1 जुबान दी है, इसका उपयोग मैं कम करूंगा, तथा कभी भी मेरा मन कमजोर होगा उससे बात करने का तो मैं इस मन की नहीं सुनूंगा, ओके। अपने मन को कंट्रोल करना मुझे, ओके। ये कमिटमेंट हो गई आपकी, रिटर्न होने चाहिए, साइन हो जाने चाहिए आपके। फार्मूला दूसरा, स्टॉप लिसन बाय फोकस ऑन अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स या गोल। ये गोल आपकी जिंदगी में बहुत सारे गोल्स भी तो हैं, अब एक टॉक्सिन का लेवल और बढ़ गया, ये उन व्यक्तियों के हैं जिसकी आपको बात भी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि विष चला जाता है वो कई गुना ज्यादा, क्योंकि आप उसकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना गोल के, क्योंकि फॉर्मूला 1 तो लागू हो गया आपके ऊपर, अब सुनना भी बंद कर लीजिए, अपने गोल के ऊपर फोकस कीजिए। बहुत इजी है, बहुत इजी है। मान लीजिए ये कोई स्पैम कॉल आ रहा है और मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, ओके, इसको क्या है रिजेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, आप हेडफोन डाल दीजिए, आपको मोटिवेट करने वाले जो गोल की तरफ मोटिवेट करते हैं उनके लेक्चर सुन सकते हो, बहुत सारी चीजें आप आजकल तो ऑडियो बुक्स हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं, आपको मोटिवेट करती हैं, बहुत सारा ज्ञान आपके लिए फ्री पड़ा है, बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटीज तथा एजुकेशन के लिए स्कूल खुले हैं, जस्ट विकिपीडिया में आप कीजिए ओपन सोर्स स्कूल्स यूनिवर्सिटीज, तो विभिन्न देशों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको आपकी स्किल को बढ़ाना चाहते हैं टोटली एक मिशन के साथ, तो उनके ऑडियोस आप सुन सकते हो, तो जब आप कान दोनों ही में सुनोगे आवाज ऊंची कर ली तो वो बोलता रहेगा आपको सुनाई नहीं देगा। फार्मूला तो अप्लाई हो गया कि स्टॉप लिसन, मैंने तेरी बात नहीं सुननी भाई, तू जो कहता है कहने दे, मैंने तेरी बात नहीं सुननी, उसको नहीं कहना। आपने वो टाइम अपने कान में हेडफोन लगा देना, बहुत सस्ते में आता है, और अगर आपका सेपरेट रूम है तो उसके खिड़की बंद कर दीजिए, उसके दरवाजा बंद कर दीजिए, तो आवाज नहीं आएगी। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस कमरे की आवाज बाहर ना जाए, तो उसके मैं विंडोज बंद कर दी, उसके विंडोज में बंद कर दिए, ओके। तो ऐसा आप भी कर सकते हो, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज बाहर ना जाए, ऐसे अगर आप चाहते हो वो टॉक्सिन वाला व्यक्ति की आवाज आपके कानों में ना पहुंचे, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करता आपका हार्ट, वो मासूम है, वो बेकसूर है, इनोसेंट है, तो उसको बचा के रखना है अपने,
उसको मोटिवेट करते रहिए, उसको स्किल्स में परफेक्ट बनाइए। तो ये दूसरा फार्मूला भी बन गया। अब इसके लिए क्या है, टॉक्सिन है, फायर अवे, इससे दूर भाग जाइए, कहीं पोल्यूशन वाला धुआं होता है वहां से बाहर चले जाइए, अपने घर से बाहर निकल जाइए, ठीक है, क्योंकि वो बातचीत कर रही हैं। अरे आपकी सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, मंजिल है, वहां चले जाइए सोने। अगर आपके घर में, आपके आस पास में कोई टॉक्सिन वाला व्यक्ति कुछ बात कर रहा है, सुनना ही नहीं है। पहले तो सिर्फ सुनना था ना, अब दूसरा फार्मूला कुछ स्ट्रिक्ट है, सुनना ही नहीं है। ओके, मींस यह कभी कभी हवा को भी क्रॉस करता है, तो हमने दोनों हाथों से उसको स्टॉप कर दिया। अब तीसरा है फार्मूला, क्लोज द इशू फास्टली बाय सेइंग सॉरी एंड फ्रॉम इनसाइड फॉरगिव। अब तीसरा फार्मूला बहुत ही सिंपल है। अब बहुत सारे इशू ऐसे होंगे जिससे क्या है कि वो चाहता है कि आपको उकसाना, आपको उकसाना, आपकी एनर्जी को कम करना, आपकी शक्ति को कम करना, तो वो मुद्दा बनाएगा। हाँ, नेगेटिव व्यक्ति, टॉक्सिन वाले व्यक्ति कुछ मुद्दे बनाते हैं ताकि आप डिस्टर्ब हो जाओ, आप बीमार पड़ जाओ, आप कमजोर हो जाओ, आप शक्तिहीन हो जाओ, आपके हार्मोन्स नेगेटिव बन जाएं। तो उसका सोल्यूशन है ना, अगर आप ये देखते हो कि उसके हिसाब से यह गलत हुआ है, उसके हिसाब से, तो सॉरी क्यों नहीं मांगते, जस्ट से निम्रता पूर्वक प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो भाई, ब्रदर आई मे फ्रेंड, मुझे माफ कर दो। तथा रात को सोते हुए बहुत ठंडे दिमाग से, या उसी समय वहां से चले जाने से, अपने दिल में आवाज दीजिए, आई फॉरगिव हिम, वो टॉक्सिन वाला व्यक्ति था, उसको मैंने माफ कर दिया। अब यह मॉडलिंग सिस्टम कैसे बनाओगे, देखो सिक्स ऐसे होता है, इसको उल्टा दो तो नौ ऐसे होता है, सच्चाइयां दो ही हैं, वो छह भी है, वो नौ भी है, उसके हिसाब से आप गलत हो, इसलिए उसके हिसाब से हमने चला, मुद्दे को बंद किया, सॉरी मांगा, उसको कहा कि मुझे भाई माफ कर दो, मैं तेरे नाक नीचे रख देता हूं, माफ कर दे, क्योंकि आप उस टॉक्सिन वाले व्यक्ति से अच्छे से डील करना चाहते हो, उसको कंट्रोल करना चाहते हो, उसमें भी एक आत्मा है, वो भी सोचता है यार मेरे से माफी मांग रहा है, और रात को सोते हुए ताकि उसका ख्याल भी ना आए, उसको माफ कर दिया। आपका छह भी ठीक है, आपका नौ भी ठीक है, ओके, कर सकते हो। क्लोज द इशू क्लोज करना है, क्योंकि वो आपके अंडरस्टैंडिंग, आपके बिलीफ को जानता ही नहीं है, वो अज्ञानी है, तो अज्ञानी का जवाब अज्ञान से मत दो, मींस उसको आप, उसने गाली निकाली, आपने गाली निकाल दी, वो भी अज्ञानी था कि वो आपको गाली निकाल रहा है, आप भी अज्ञानी उसको गाली निकाल रहे हो, अब उन्हें ज्ञानी बनना है, माफी मांगिए, ओके, और मुद्दे को बंद कीजिए। तो तीन फार्मूले हैं, सिंपली एक बार फिर बता देता हूं, यहां भी देख लीजिए, स्टॉप स्पीक एंड लिसन मोर, ताली एक हाथ से नहीं बजती, सुनते जाइए। फिर है स्टॉप लिसनिंग, फोकस ऑन योर गोल, क्लोज द इशू फास्टली, ओके। यह वीडियो अच्छा लगा है लाइक था, शेयर कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर दीजिए। अभी अगर मेरे से पर्सनल ट्रीटमेंट लेना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, 93 5 4 34 925। थैंक यू वेरी मच।